हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे अपने यूट्यूब चैनल टोटलिस्ट TIQ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दोस्तों प्री टारगेट के बारे में, जो कि 4 फरवरी और 5 फरवरी का करंट अफेयर है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज तक दोस्तों को जो कल का करंट अफेयर था 4 तारीख का, दोस्तों वर्ल्ड 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे रहता है। दोस्तों ध्यान रखना, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे रहता है फ्रेंड्स। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने हरियाणा में झज्जर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, मतलब ये स्टेबलाइज किया है। और इसका जो साइन रहता है दोस्तों, ये एड्स जैसा रहता है, मगर ये उसमें रेड रहता है, इसमें ये पिंक कलर का रहता है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना। दोस्तों दूसरा करंट अफेयर है दोस्तों 4 फरवरी का, दोस्तों अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। दोस्तों ये अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, दोस्तों इसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था दोस्तों फाइनल में। इसके तो जो मतलब इसमें मतलब इसमें जो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, सीरीज में ये शुभमन गिल रहे थे दोस्तों। और सबसे ज़्यादा विकेट अनुकुल रॉय ने लिए थे, 14 विकेट। और कैप्टन थे फ्रेंड्स इसके पृथ्वी शो। ये भारत का 8वां वर्ल्ड कप था। इससे पहले भारत ने यही मतलब अंडर 19 वाला 2012 में ये वर्ल्ड कप जीता था फ्रेंड्स। उस टाइम पे उनको चांद ये वो थे, मतलब उस टाइम पे कैप्टन। दोस्तों अगला करंट अफेयर है, श्याम बेनेगल को भी शतरंज, श्याम बेनेगल जो क्या है, भी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोस्तों ये मतलब फिल्मों से संबंधित रहता है दोस्तों। ये आपने सुना होगा श्याम बेनेगल कमेटी। दोस्तों ये 15वें जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल मुंबई में हो रहा है दोस्तों, उसमें दिया गया है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना। ज़्यादातर फिल्म फेस्टिवल मुंबई में ही होते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगला करंट अफेयर, हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी अभी पेपर में आई थी कल। तो उसका मतलब ये रहता है दोस्तों, इसमें बिना मिट्टी के मतलब समुद्र में भी मतलब पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी। दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने म्यांमार और सीरिया को दोस्तों मिसाइल बेचकर 1300 करोड़ रुपए कमाए। दोस्तों जो नॉर्थ कोरिया है, कोरिया उपमहाद्वीप का एक कंट्री है दोस्तों, ये मतलब आपने देखा होगा ये उस वहाँ पे क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तानाशाही। तो ये क्या वहाँ के जो शासक हैं वो किम जोंग है, और ये फ्रेंड्स ये इसकी राजधानी प्योंग प्योंग है। और ये मतलब चाइना रूस और साउथ कोरिया का पड़ोसी कंट्री है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगला करंट अफेयर है कि जो एडवांटेज असम ग्लोबल ग्लोबल समिट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2018 ये गुवाहाटी में हो रहा है फ्रेंड्स। ये इसमें 16 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें भूटान भी है। और फ्रेंड्स ये नॉर्थ ईस्ट में होने वाला सबसे बड़ा अभी बिजनेस समिट है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, ये आज का करंट अफेयर है फ्रेंड्स। और जो दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट में अपने 7 स्टेट आते हैं, जिसमें असम, मणिपुर, मेघालय और ये मिजोरम और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश फ्रेंड्स ये आते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको, ये नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स भी कहे जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जो 5 फरवरी का करंट, आज का जो करंट अफेयर है दोस्तों, आज की दोस्तों बड़ी न्यूज है दोस्तों। कल मतलब ये भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में मतलब क्रिकेट सीरीज ये हो रहा है दोस्तों। इसमें भारत ने साउथ अफ्रीका में ही हो रहे हैं फ्रेंड्स, ये 26 साल में सबसे बड़ी जीत, मतलब दोस्तों साउथ अफ्रीका ने बनाए थे दोस्तों ये 118 रन, ये मतलब 10 10 विकेट पर। और ये पूरा ऑल आउट हो गई थी और 32.2 ओवर में। और फ्रेंड्स ये मतलब इंडिया ने ये 119 रन 1 विकेट के नुकसान पर और 20 ओवर 3 बॉल में बना दिए थे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, ये अब तक की सबसे बड़ी हार है 26 साल में। और साउथ अफ्रीका का सबसे कम स्कोर है मतलब अपने मतलब विदेशी टीम के सामने अपने मतलब घरेलू मैदान में। दोस्तों अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो पंचायत सचिव हैं उनका वेतन 10,000 तक बढ़ा दिया जाएगा फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। पंचायत सचिव मतलब ये पंचायत का पूरा काम, ज़्यादातर प्रशासनिक काम फ्रेंड्स यही करते हैं, जो भी आर्थिक काम। दोस्तों नई नेशनल फेलोशिप मतलब शुरू होगी फ्रेंड्स, ये मतलब ICSSR जो कि अपना भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक जो अनुसंधान है उसके रिसर्च वाला, और ये दोस्तों संत रविदास और आनंद कुमार स्वामी जी के
नाम से स्टार्ट होगी। दोस्तों संत रविदास के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये मतलब ये चर्मकार थे, और दोस्तों इन्होंने मतलब ये एक भक्ति मूवमेंट के टाइम के ये कवि हैं फ्रेंड्स। और दोस्तों ये दोस्तों अभी आनंद जो विभाग बनाया मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स में मतलब बढ़ोतरी करने के लिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट भूटान जाएगी। दोस्तों भूटान दोस्तों मतलब ये भारत और चाइना के बीच एक सैंडविच टाइप सैंडविच जैसा एक मतलब देश है। जैसे सैंडविच मतलब दो दो चीज़ों के बीच में एक चीज़ जिसको सैंडविच बोलते हैं। दोस्तों अभी आपने सुना था कि जो ये आया था क्या बोलते हैं उसे, ये आपका डोकलाम, तो डोकलाम दोस्त फ्रेंड्स ये भूटान में ही है। भूटान की राजधानी फ्रेंड्स थिम्बू है, और ये बुद्धिस्ट कंट्री है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, ये अपने नॉर्थ ईस्ट से लगा हुआ है दोस्तों। दोस्तों प्रदेश मध्य प्रदेश में क्लस्टर बना बन बन का बनाकर हो रही है खेती। दोस्तों क्लस्टर में क्या होता है मतलब दोस्तों क्या है, जैसे अभी जो क्या है जैसे किसान मतलब मंडी अपना मतलब फसल बेचने जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों मंडी नहीं जाना पड़ेगा, जो व्यापारी है वो उनके रूम घर पर ही आएगा। और दोस्तों 15-20 किसानों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया गया है दोस्तों। और कैनेडा में दुनिया का एक न्यूज है दोस्तों, कैनेडा में दुनिया का पहला प्लांट जो हवा से कार्बन खींचकर एक दिन में ये 10,000 बैरल फ्यूल बनाएगी। दोस्तों ये ध्यान रखना कनाडा में बन रहा है। दोस्तों ये कैनेडियन फार्म ऑफ बिल गेट्स की इको फ्रेंडली मुहिम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगला करंट पे मालदीव में गहरा है राजनीतिक संकट। दोस्तों अभी मालदीव में क्या है, मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है फ्रेंड्स, तो ये मतलब हिंद महासागर में है फ्रेंड्स, और इसकी जो कैपिटल है दोस्तों माले, और बहुत ही छोटा छोटा देश है दोस्तों, 2-2.5 लाख जनसंख्या है फ्रेंड्स इसकी। तो वहाँ पे भी राजनीतिक संकट गहरा गया, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया है, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो उसके डिसीजन को मान नहीं रहे हैं फ्रेंड्स। तो मालदीव अपने लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है फ्रेंड्स, क्योंकि यदि मालदीव अभी चाइना ने मालदीव का एक वो द्वीप लिया है, उसमें चाइना अभी आपने सुना होगा रिंग्स पल्स ऑफ रिंग रिंग ऑफ पल्स, तो ये मतलब चाइना किस प्रकार से भारत को घेर रहा है, जिसमें चाइना ने बांग्लादेश का चटगांव और श्रीलंका का मंटोटो तो इसका भी एक द्वीप लिया माल, और पाकिस्तान का वो पाकिस्तान का भी लिया है ग्वादर बंदरगाह। तो इस प्रकार से मालदीव अपने लिए बहुत महत्व रखता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगला करंट अफेयर जो विंटर ओलंपिक कोरिया में होने वाले हैं, उसमें घाना की ओर से एकमात्र खिलाड़ी अकवासी होंगे फ्रेंड्स, और यदि ये कोई भी मेडल जीतते हैं तो पहले अफ्रीकी खिलाड़ी होंगे जो कि मतलब ये विंटर ओलंपिक के कोई मेडल जीते। जो घाना है फ्रेंड्स ये मतलब एक अफ्रीकन कंट्री है फ्रेंड्स। अगला करंट अफेयर फ्रेंड इंडियन ओलंपिक बैडमिंटन में फाइनल में सिंधु को अमेरिका की वेवियन झांग ने हराया है फ्रेंड्स। पीवी सिंधु जी जो कि अपनी एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये ओलंपिक में जो हुए थे अभी तो उसमें 2016 वाले उसमें ये मेडल जीत चुकी हैं फ्रेंड्स, सिल्वर मेडल लाई थी। तो अभी इन ये दोस्तों मतलब सेमीफाइनल में फ्रेंड्स ये जो अपना थाईलैंड है ना वो उसकी खिलाड़ी को हराकर ये फाइनल में पहुंची थी फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये था फ्रेंड्स आज तक 4 फरवरी 5 फरवरी का करंट अफेयर। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।